एस्ट्रो लवर्स ज्योतिष सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए। आइए जानते हैं काली हल्दी के कुछ उपाय। दर्शकों, जानते हैं सबसे पहला उपाय। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु और शनि से जुड़ा हुआ अशुभ फल मिलता है, ऐसे जातक को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार के दिन काली हल्दी पीसकर उसका तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद नियमित रूप से हर रोज काली हल्दी पीसकर उसका तिलक लगाने से जातक को बृहस्पति और शनि से जुड़ा हुआ शुभ फल मिलने लगता है। दर्शकों, कई बार लोगों के सामने ऐसी समस्या होती है कि व्यापार व्यवसाय में उनको धन लाभ होता है, लेकिन धन उनके पास टिकता नहीं। बार बार आकस्मिक खर्च आने की वजह से उनके पास धन टिकता नहीं। इन स्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर उपाय मैं आपको कहता हूँ। ऐसे जातक को एक चांदी की डिब्बी लेनी है। उस चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और थोड़ा सिंदूर रख देना है। उसके बाद उस डिब्बी को बंद करके महालक्ष्मी जी के चरणों का स्पर्श करवाए और तुरंत उसे धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। जब तक यह आपकी तिजोरी में रहेगा, तब तक आपकी तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं तीसरा उपाय। दर्शकों, यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है, ऐसे रूप में आपको यह उपाय आजमाना चाहिए। सबसे पहले आपको एक पीला रेशमी कपड़ा लेना है, उसमें काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का या फिर कोई भी एक सिक्का और 11 अभिमंत्रित लक्ष्मीदायक कौड़ियाँ रखनी है। यह सब रखने के बाद आपको 108 बार या फिर एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। 108 बार जाप होने के बाद इस पीले कपड़े में रखी हुई चीज़ों को इसी पीले कपड़े में बांधकर आपको इसे अपनी तिजोरी, गल्ले में या फिर व्यापार व्यवसाय के स्थल पर रख देनी है। ऐसा करने से आपके व्यापार व्यवसाय में नियमित रूप से निरंतर वृद्धि होती रहेगी और आप आर्थिक रूप से प्रगति करते रहेंगे। दर्शकों, यदि आपका व्यवसाय किसी मशीन से जुड़ा हुआ है और बार बार आपके सामने मशीन खराब हो जाने की समस्या आती है या फिर मशीन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या आपके सामने यदि बार बार आती है, ऐसी स्थिति में आपको यह उपाय आजमाना चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार के दिन काली हल्दी को केसर और गंगा जल के साथ पीसकर उससे मशीन के ऊपर स्वस्तिक बनाए। ऐसा करने से आपकी मशीन कभी भी खराब नहीं होगी और मशीन से जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय में आपको आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। दर्शकों, आइए जानते हैं और एक उपाय जो दीपावली उत्सव के दरमियान आजमाया जाता है। दीपावली के दरमियान लक्ष्मी पूजन के समय चांदी के सिक्के के साथ लक्ष्मी जी के सिक्के या मूर्ति के साथ काली हल्दी रख दें और लक्ष्मी पूजन होने के बाद उस काली हल्दी को लक्ष्मी जी की मूर्ति या चांदी के सिक्के के साथ तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी में निरंतर रूप से लक्ष्मी जी की वृद्धि होती रहेगी, धन की वृद्धि होती रहेगी और जीवन भर आपको कभी भी आर्थिक समस्या नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये थे काली हल्दी के कुछ चमत्कारिक उपाय। आप सबसे प्रार्थना है, इसको कम से कम एक बार अवश्य आजमाएं। यह वास्तविक जीवन में चमत्कारिक लाभ देते हैं। अब देखिए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट। पूरे वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करें एस्ट्रोलॉजी टीवी ऐप, Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV ऐप, Airtel DTH पे सब्सक्राइब करें Astrovani चैनल, Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें ज्योतिष दुनिया।